चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी मीठा जो सबको बहुत पसंद भी आएगा, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर सुबह के समय आप एक कटोरी इसे बना लें या रात के समय डेजर्ट के तौर पर दे दें तो सारा दिन थकान कमजोरी कुछ भी नहीं होगा और खाने में सबको बहुत ज़्यादा स्वाद भी लगेगा। और कोई ऐसा सामान नहीं जो घर में मौजूद हो, आमतौर पर घर में तो दलिया होता ही है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया मीठा दलिया। ये देखिए, इसके लिए मैंने रात से ही 8-10 बादाम और एक चम्मच जो है खसखस भिगो दी थी। बादाम विटामिन ए से भरपूर होते हैं, विटामिन ई होता है, खसखस बच्चों का दिमाग तेज करता है, स्ट्रेस को दूर करता है। लेकिन दोनों चीज़ों को हम भिगो के अच्छे से पहले छान लेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जो है जो खसखस होते हैं उसके दाने बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़ी बहुत मिट्टी हो सकती है जिससे हमारा जो मीठा है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से भीग कर मैंने इन्हें मिक्सी के जार में डाल दिया और पानी कितना गंदा है ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। चाहे देखने में साफ़ लगे लेकिन फिर भी गंदगी हो सकती है। खसखस सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैंने इसमें 1/4 कप के लगभग दूध डाला है और हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे दरदरा भी पीस सकते हैं या चाहे तो थोड़े बहुत चंक्स रहने दे सकते हैं। मुझे तो बादाम खाने में अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़े चंक्स रहने दिए। अब हम कढ़ाई के अंदर 1/2 चम्मच के लगभग देसी घी लेंगे और उसमें 15 से 20 के लगभग मखाने जो है वो डाल लेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि मखाने एकदम से जल ना जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे और मखाने हमारे अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इस समय 1 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत कम घी में ये मीठा बनाकर तैयार करूँगी। अब इसमें मैंने 1/2 कटोरी के लगभग दलिया डाला है, एकदम साफ़ सुथरा दलिया है, अच्छे से मैंने इसे पोंछ लिया है। वैसे अगर आप बाज़ार से पैकेट वाला दलिया लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसके अंदर धूल मिट्टी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम दलिये को बिना घी के अच्छे से भून लेंगे। हाँ, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इस समय 1 चम्मच घी डाल के इसे भून सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ही लो फ्लेम पर धनिया भून जाएगा और भूनने के बाद ये काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है, यही इसकी पहचान है। और खुशबू तो ऐसी, सूजी आटा बेसन और दलिया, अगर आप कुछ भी भूनेंगे ना तो मोहल्ले तक खुशबू जाएगी। अब जितना मैंने दलिया लिया है उतना ही पानी डाल दिया। पानी डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो दलिया है वो फटाफट से हमारा गल जाएगा, और अगर हम इसे दूध में दलिये को गलाते हैं ना तो उसको टाइम लगता है। अगर आप दूध में दलिये को गलाना चाहते हैं तो उसे एक कुकर में सीटी लगवा लीजिए या फिर पानी डाल दीजिए। तो पानी मैंने उतना ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, और 2 मिनट के अंदर ही ये सारा पानी सोख लेगा। ये मैंने हल्की गैस के ऊपर, और दलिया देखिए हमारा फूलकर डबल हो गया। इस समय अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। इसमें मैंने 3 कटोरी के लगभग दूध डाला है। बिल्कुल सीधा सा नाप है, आप कोई भी कटोरी लीजिए, 1/2 कटोरी दलिया, 1/2 कटोरी पानी, और उसका 3 गुना यानी 3 कटोरी भर के हमने दूध डाल दिया है। बस इस तरह से हमारा बहुत अच्छा जो है ये मीठा तैयार हो जाएगा। खाने में सबको ये स्वाद तो लगेगा ही, साथ में ये बहुत सेहतमंद भी है। अब मैंने इसमें अच्छी खुशबू के लिए एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, आधी बिल्कुल चुटकी के लगभग इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों से हमारा दलिया सेहतमंद तो बनेगा ही, साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाने वाला है। बस अब इस तरह हम लगातार चलाते हुए इस दलिये को अच्छे से पका लेंगे। अब तेज़ी से जैसे उबाल आना शुरू होगा, मैंने इसमें मीठा डालने के लिए आप चाहें तो गुड़ या चीनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिश्री ली है और उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। इतनी देर पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है ना वो डाल देंगे। इसमें पेस्ट डालने से एक तो ये अच्छे से पक जाएगा, दूसरा फटाफट से हमारे मीठे को गाढ़ा भी कर देगा। इस मीठे को आप किसी त्यौहार पे भी बना सकते हैं, सबको ये बहुत पसंद आता है। और साथ में अगर आप चाहें तो रोज़ में अगर इस कटोरी, एक कटोरी सिर्फ अगर इस तरह से आप खा लें तो सारा दिन आपको कोई थकान कमजोरी वीकनेस कोई दिक्कत नहीं होगी। विटामिन B12 जो है वो आपका बिल्कुल बॉडी में ठीक हो जाएगा, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। अभी देखिए, मैंने मिश्री का 100 ग्राम तक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया है, यानी मैंने इसे बहुत ज़्यादा चूरा नहीं किया, बस दरदरा सा पीस लिया, क्योंकि जब हम गर्म दूध में डालेंगे तो ये अपने आप ही जल्दी से घुल भी जाने वाला है। अब दालचीनी का काम ख़त्म, इसको तो हम निकाल के कर देंगे साइड, और इसको हम लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। चलाना ज़रूरी है, नहीं तो दलिया नीचे लग सकता है जिससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बादाम जो है वो सीधे जाकर तली में चिपकते हैं। अब ये देखिए, जो इसमें चीनी मैंने पीस कर रखी थी ना मिश्री, वो मैंने डाल दी। गर्मियों में मिश्री बहुत फ़ायदेमंद रहती है। साथ में 1 चम्मच मैंने चिरौंजी डाल दी है। चिरौंजी जो है स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर डेली बेसिस पर आप भिगोकर चिरौंजी खाएं तो आपके बाल और स्किन बहुत बढ़िया हो जाते हैं। बस अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, ज़्यादा 5 या 6 मिनट के अंदर ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने पर जो है दलिया और फूलेगा और वो बिल्कुल जमा देगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसे हम थोड़ा सा पतला ही छोड़ देंगे। बिल्कुल जब गैस का फ्लेम बंद करना होगा तब मैंने इसके अंदर जो मखाने हमने भून कर रखे थे वो ऐड कर दिए। इससे मखाने एक तो घुलेंगे नहीं और दूसरा ये तैरते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बढ़िया जो है मीठा या खीर बनाकर तैयार की है। इस तरह की दलिये की खीर खाने में सबको पसंद तो आती है, तो उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फिर से कोई नई वीडियो लाऊं। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आपको बनाकर दिखाऊं। ये देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है और अगर हमने सीधा डायरेक्ट दलिये में दूध डाला होता ना तो कढ़ाई जो है वो दूध नीचे जाके चिपक जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पहले थोड़ा पानी डाल के दलिये को पका लीजिए, दलिया से चिपक भी जाएगा और कोई दिक्कत ही नहीं। और गार्निशिंग करने के लिए बस थोड़ा सा पिस्ता डालिए और हमारा बहुत बढ़िया दलिये की खीर तैयार। तो चलिए आप विदा लेती हूँ, आप सब इंजॉय कीजिए वीडियोज़ और भी जाके वीडियोज़ देखिए, आपको सारी पसंद आएंगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, बाय।